हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्नोलॉजी मास्टर। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रियलमी एंड ओप्पो के हिडन फीचर के बारे में, जो कि है टैब बार का ये फीचर। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम गैलरी में जाकर कई बार हमें ये एरर शो करता है, सक्सेसफुली सेट एज ए प्राइवेट टच एंड होल्ड द टैब बार टू व्यू। तो इसमें ये हमें पता नहीं लगता हमारी फाइल कहाँ गई, हमारी फाइल हाइड हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको साथ में आपको तभी पता लगेगा कैसे होता है ये। जैसे ये मैंने फाइल सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन आता है। जो मैं सेट एज प्राइवेट करूँगा तो ये फाइल यहाँ से गायब हो जाएगी और फाइल हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, सक्सेसफुली सेट एज ए प्राइवेट टच एंड होल्ड द टैब बार टू व्यू। ये सेटिंग दो तरीके से ओपन होगी, तो आपको बताता हूँ कैसे ओपन होगी। पहले वाली सेटिंग हम ओपन करेंगे, हमको पहले सेटिंग में जाना है, फिर आपको जाना है प्राइवेसी में, फिर जाना है प्राइवेट सेफ में। मेरा तो ये सीधा ही फेस अनलॉक से अनलॉक हो गया। आपका अगर पहली बार अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपसे ये सेट एज पासवर्ड मांगेगा, तो आपने पासवर्ड अपना सेट कर लेना है। और आपको ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा, वो क्वेश्चन का आपने आंसर भी डाल देना, ताकि अगर आप भूल जाओ पासवर्ड तो आप बाद में इसको रिकवर कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियो शो करेगा, ऑडियो शो करेगा, डॉक्यूमेंट शो करेगा और अदर फाइल शो करेगा। इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट में जो मैंने अभी इमेज हाइड की, यहाँ पे ये देखिए इमेजेस यही पड़ी है। यहाँ पे सेट एज प्राइवेट किया तो यहाँ पे आ गई है इमेजेस। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इन फाइल्स तक पहुँचने का। तो आपने कहाँ जाना है, फोटोज़ में जाना है। तो यहाँ पे वो बताते हैं टैब बार, टैप एंड होल्ड एंड टैब बार टू व्यू द ऑप्शन। तो टैब बार कौन सी है, ये ऊपर जो फोटोज़ एल्बम्स और एक्सप्लोर लिखा हुआ है, ये टैब बार है। इसके ऊपर आप टच एंड होल्ड करोगे तो आपका सीधा फोटोज़ में प्राइवेट सेफ के अंदर वो ले जाएगा आपको। इसमें इमेजेस एंड वीडियोस के ऊपर पहुंच गया सीधा, जो मैंने हाइड की है वो आपके, अगर आपकी गलती से यहाँ पे हाइड हो जाती है फाइल कोई, तो यहाँ पे आके आप उसको रिकवर कर सकते हो। यहाँ से रिस्टोर सेट एज पब्लिक कर दोगे तो वो सेट एज पब्लिक मांगेगा, फिर आपको फोल्डर पूछेगा कौन सा फोल्डर है। जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट थे, मैंने स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके उसको ओके कर दिया, सेट एज पब्लिक कर दिया, वो सेट एज पब्लिक हो गई। ये देखिए वापस आ गई ये फाइल्स। तो आप ऐसे अपनी फाइल्स को रिस्टोर भी कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, कईयों को पता नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को ये इसका फीचर का पता नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।